हेलो दोस्तों, आप सभी को पुष्पा लाइफ पैड में स्वागत है। दोस्तों तो आज मैं कोई रूटीन शेयर नहीं कर रही आप सभी से, बस किचन की कुछ यूज़फुल टिप्स मैं शेयर कर रही हूँ जो हर हाउसवाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है और काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। तो दोस्तों अभी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, यदि पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों तो पहले मैंने यहाँ पर ली है एक आयरन की कढ़ाई। तो ये कढ़ाई मेरी उतनी भी गंदी नहीं है, लेकिन आप इससे भी ज़्यादा गंदी भी ले लो ना तो ये नींबू का टुकड़ा जादू का काम करने वाला है। तो बस यहाँ पे मैंने एक नींबू का टुकड़ा लिया है, सूख गई है मेरी थोड़ी सी नींबू, आप उसके जगह छिलका भी ले सकते हो और आसानी से इसको लोहे के आयरन की कढ़ाई को गर्म कर लो अच्छी तरह से। जब वो गर्म हो जाए तो गैस को ऑफ कर दो, उसके बाद किसी की हेल्प से आप, क्योंकि गर्म रहती है ना, किसी की हेल्प से आप नींबू को पूरे जहाँ जहाँ गंदे हैं उसको रगड़ दो पूरी कढ़ाई में। तो उसके बाद अच्छे से रगड़ दो जब तक उसका मतलब नींबू का जितना रस है ना निकले तब तक, तो अच्छे से वो अच्छे से आयरन जो कढ़ाई है ना गंदी है काफ़ी दिनों से चाहे साल भर से, तो ये काफ़ी आसानी से इजली तरीके से ये गंदी को निकाल देती हैं और जो काफ़ी यूज़फुल होता है हर हाउसवाइफों के लिए। तो हम हाउसवाइफों के लिए एक अच्छा सा ट्रिक है नींबू, तो एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए और इस्तेमाल कीजिए, काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा। तो फटाफट से मैं इसको अच्छे से नींबू को रगड़ लूँगी लोहे की कढ़ाई में, जब तक वो गर्म है ना तभी तक वो काम करेगी, ठंडे होने के बाद इसका काम नहीं हो पाएगा। तो फटाफट से इसको ना किसी की हेल्प से रगड़ ले। और इधर मेरी रगड़ लिया था और ठंडी भी थोड़ी सी हो गई थी, तो मैंने एक स्कोच लिया है, आप तार वाली भी ले सकते हो, स्कोच भी ले सकते हो। और उसके बाद इस कढ़ाई को ना अच्छे से थोड़ा सा रगड़ लो, आप अच्छे से थोड़ी सी प्रेशर लगा के रगड़ दो ना, तो वो आसानी से जितनी भी गंदगी है वो निकाली है ना नींबू अच्छी तरह से वो निकल आएगी इजीली तरीके से, और कढ़ाई ना काफ़ी अच्छी चमक जाएगी। तो आपको कम मेहनत में कम समय में आपका ये काफ़ी काम आने वाला है ये नींबू, तो एक बार ज़रूर यूज़ कीजिए। तो मैंने ना सिर्फ अंदर की ही एरिया पर यूज़ किया है, तो बस दिखाती हूँ मैं आप सभी को रिजल्ट जो काफ़ी अच्छा होता है। तो बस आपको कितनी भी गंदी हो ना कितनों दिनों की, तो ये नींबू इजीली तरीके से आपके गंदगी को इजी तरीके से निकाल देती है 5 मिनट में ही। तो ये फटाफट से होने वाली है, तो देखिए हमारी कढ़ाई कितनी अच्छी चमक गई है ना। तो बस ये कढ़ाई मेरी चमक उठी है एक नींबू के टुकड़े से, तो फटाफट से ये यूज़ ज़रूर कीजिएगा आपकी कढ़ाई चमकाना के लिए। ये रही मेरी दूसरी टिप्स। तो ये दूसरी टिप्स है दोस्तों, ये मेरी पूजा का पीतल वाली लोटा है, पीतल का लोटा है, तो ये ना गंदी भी हो गई थी, तो मैंने इसको काफ़ी दिनों से मंजा नहीं था, तो मैं यहाँ पे मुझे इसको मंजना है। तो उसके लिए आप इजी तरीके से मंजना चाहो चाहे कितने भरी आपकी दाग हो पीतल के लोटे में, तो बस या तांबे के लोटे, तो मेरे पास यहाँ पे पीतल का ही लोटा है। मैंने यहाँ पे आटा का चोकर लिया है, तो चोकर कम थी तो मैंने थोड़ी सी इसमें आटा भी यूज़ कर दिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी विनीगर डाला है, तो आप इसके जगह नींबू का भी यूज़ कर सकते हो। तो बस यहाँ पे मैंने विनीगर ले लिया है और फटाफट से अपने हाथों से मैं इसको पूरे लोटे में लगा दूँगी और उसी से मैं मंज दूँगी। तो ये मेरी ना लोटा कितनी भी एक महीने की जो गंदगी है ना वो भी आराम से ये इजी तरीके से चमक जाएगी, और ये काफ़ी यूज़फुल टिप्स है। तो जिस चोकर को हम लोग फेंक देते हैं उसे यूजलेस बना सकते हो। तो बस ये मेरी थोड़ी सी चोकर थी, तो मैंने यहाँ पे चोकर लिया है, उसमें आटा भी मिला दिया, यदि चोकर ना है तो आटे से भी ये हो जाएगी आराम से। और यहाँ पे देखिए मेरी ये अंदर वाला ना पोर्शन है ना ये लोटे का, हमेशा मेरा ऐसा ही रहता है, तो बस मैं यहाँ पे देखिए बाहर की पोर्शन इतनी अच्छी चमक उठी है मेरी, और इजी तरीके से कम समय में हमारा लोटा चमक गया है। तो देख सकते हो, आप सभी को मैं दिखाती हूँ, तो ये लोटा देखिए न्यू के न्यू हो गई है, कम मेहनत में ही और कम समय में ही मेरा ये लोटा चमक उठा है। तो ये दूसरी टिप्स है जो दोस्तों जो हर हाउसवाइफों के लिए काफ़ी काम आने वाला है। ये रही मेरी तीसरी टिप्स दोस्तों, तो ये है तीसरी टिप्स। कप में दिख रहा है कि थोड़ी थोड़ी ना कभी कभी कप में दागी सी हो जाती है चाय पीते पीते, तो इसे ना आप देखिएगा कि कभी कभी कप में दाग चढ़ जाती है, तो इसको यूजी तरीके से यदि ये साफ़ करना है तो हम थोड़ी सी इसमें बेकिंग पाउडर लीजिए, तो बेकिंग पाउडर हल्की सी, उसमें थोड़ी सी हल्की सी विनीगर, तो ये विनीगर ना काफ़ी काम आने वाली चीज़ है।
जो घर में हर घर में अवेलेबल भी होता है। तो मैंने एक खराब ब्रश लिया है और विनीगर और बेकिंग पाउडर, उसकी हेल्प से मैं थोड़ी सी हल्की से इसको मिला लूँगी और अच्छे से रगड़ लूँगी। तो ये कप आसानी से ये दाग को निकाल देगी और कप भी चमक उठेगा। तो आप इसी तरीके से इस कप को अपने घर में जो रखे हुए कप के कई दिनों के कप जो दागी छोड़ जाती है चाय, तो बस इसको आज आसानी से आप निकाल सकते हो घर की चीज़ों से जो हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होता है। तो ये देखिए हमारी कप कितनी अच्छी से न्यू हो गई है ना, चमक उठी है। तो ये भी काफ़ी काम आने वाला टिप्स है दोस्तों। ये रही मेरी चौथी टिप्स। जो चौथी टिप्स है दोस्तों, ये स्विच देख रहे हो किचन की स्विच है, तो थोड़ी सी कभी कभी हाथों से गंदे हाथों से छुओ ना तो थोड़ी सी तेलीय परत हो ही जाती है और समझ सकते हो किचन की स्विच कैसी होती है। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने कोलगेट लिया है, आप कोई भी कोलगेट ले सकते हो लेकिन वाइट कोलगेट काफ़ी अच्छा होता है। तो मेरे यहाँ पतंजलि का ही कोलगेट आता है तो मैंने वही कोलगेट लिया है। बस ब्रश ली है और ये ब्रश भी काफ़ी हेल्प यूज़फुल होते हैं तो इसे भी रखा कीजिए। तो बस यहाँ पे मैंने सारे सब जगहों में कोलगेट लगा दिया है अच्छी तरह से और हल्के से हल्के हाथों से प्रेस कर करके मैं इसको रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। तो ये इजीली तरीके से ये कोलगेट ना स्विच को आसानी से साफ़ कर देती है बिना झंझट किए, बिना नो झंझट से और एकदम इजीली तरीके से फटाफट से ये स्विच साफ़ हो जाएगी। तो आप लोग देखते जाइए मेरी वीडियो को। और उसके बाद मैंने एक कॉटन का कपड़ा लिया है सूखा वाला, उसके बाद यहाँ पे जो कोलगेट थे वो सबको पोंछ लूँगी। और देखिए चमकता हुआ रूप, तो देख सकते हो हमारी स्विच कितनी अच्छी से साफ हो गई इजीली तरीके से कम समय में ही। तो ये कम समय में आने वाली यूज़फुल टिप्स हैं हमारे स्वाइपों के लिए, तो ये ज़रूर अपने किचन में ज़रूर ये यूज़फुल टिप्स आजमाइए और इसका रिजल्ट पाइए दोस्तों। तो बस यहाँ पे देखिए हमारा स्विच कितना अच्छा न्यू दिल लग रहा है ना, तो ये आसानी से ये अच्छे से दाग को साफ कर देती है और स्विच कितनी भी गंदी हो ना तो ये कोलगेट भी जादू का काम करता है। तो दोस्तों ये रही मेरी पांचवी टिप्स दोस्तों। तो ये पांचवी टिप से ये मेरी छलनी, तो मैं कभी कभी यही छलनी का मेरा घर में यूज़ होता है। तो बस ये इसको ना आसानी तरीके से यदि साफ़ करना हो बिना झंझट के, क्योंकि चाय कभी अपना दाग ना छोड़ ही जाती है, तो बस ये थोड़ी बहुत थोड़ी सी दाग छोड़ ही देती है। तो मैंने ना गुनगुना के कुछ ज़्यादा ही गर्म पानी किया था, उसमें मैंने बेकिंग पाउडर यूज़ किया है और थोड़ी सी मैं इसमें डिटर्जेंट पाउडर डालूँगी। तो दोस्तों ये सब जो हमारे घर में हमेशा अवेलेबल होता है और आसानी तरीके से सबके किचन में ये सब मिल ही जाते हैं और ये किचन में ही रहते हैं, तो बस हमारी ये किचन की टिप्स ना किचन से ही इसकी सफाई हो जाती है उन्हीं सामानों से कम समय में कम बजट में ही। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ देर इसको छोड़ दिया था, 5 मिनट के लिए मैंने थोड़े से गर्म पानी में छलनियों को छोड़ दिया था। उसके बाद कोई कपड़े से हेल्प से या स्कॉच से आप उसको रगड़ दो या आसानी तरह से इजीली तरीके से जो जमी हुई चाय पत्ती है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाएगी और कलर भी काफ़ी सुंदर आएगा, वाइट हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी छलनी ना साफ़ हो गई है, तो मैं ऐसे ही छलनियों को साफ़ करती हूँ। तो ये भी काफ़ी यूज़ आने वाला किचन टिप्स है दोस्तों हम महिलाओं के लिए। तो फटाफट से ये मेरी छठी टिप्स है। तो दोस्तों ये मेरी टिप्स है ये मिर्च। तो अभी ना बरसात का सीज़न आ गया है, तो यदि मिर्च है घर में तो काफ़ी ये मिर्च ज़्यादा दिन तक रखो ना तो उसमें थोड़े से वाइट कलर के फुफंदियाँ आने लगती हैं, ख़राब होने लगते हैं वो सामान। तो बस उसे बचाने के लिए, उसे बरसात से बचाने के लिए, तो हमने ना हल्के से कढ़ाई को गर्म किया है और गर्म करके ये मिर्च को मैंने ना हल्का सा फ्राई कर लूँगी, हल्का सा इसको गर्म करके रख दूँगी। तो अच्छे जगह से स्टोर करके रख दो ना तो ये मिर्च ना तरोताज़ा ही रहेंगी और इसको आसानी से आप यूज़ कर सकते हो, तो ये ख़राब नहीं होगी। और बरसात में समझ सकते हो सभी चीज़ें ख़राब होने लगती हैं, सब में वाइट कलर के ही आ जाते हैं, तो ऐसे ही आप रख सकते हो। ये रही मेरी सातवीं टिप्स दोस्तों।
और आखिरी टिप्स तो ये रही मैदा। तो ये मैदा है, मेरे पहले के भी कुछ मैदे थे और अभी मैंने भी मैदा लाया है, तो बस मुझे स्टोर करके रखना है। तो डिब्बे को मैंने धोया था, उसे सूखने दिया था, इसलिए मैं इसी में भी पॉली बैग में ही रखी हूँ। तो बस मैदे में कभी कभी ना कीड़े भी लग जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म कीड़े जो बहुत बारीकी से देखने से ही पता चलता है। तो दोस्तों अभी बरसात का सीज़न में कीड़े काफ़ी लगते हैं, तो उसे बचाने के लिए आप मैदे में तेज़पत्ता या लौंग डाल सकते हो। तो लौंग मेरे घर में नहीं है लेकिन मैंने तेज़पत्ता डाल दिया है, और तेज़पत्ता डाल के डाल रखो ना तो मैदा में एक भी कीड़ा नहीं लगेगा और सुरक्षित रहेगा। तो ये रही मेरी आखिरी टिप्स। यदि मेरी टिप्स पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तो कैसी रही मेरी टिप्स, तो अच्छा लगे तो लाइक से कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।